प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप पहुंचे हैं साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl की प्राप्ति गुण एवं इसका उपयोग को समझेंगे। तो ध्यान पूर्वक एक बार आप देख लें इसे ताकि आपको नोट बनाने में आसानी पड़े, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कैसे सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl के अभिक्रिया से, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के अभिक्रिया से साधारण नमक की प्राप्ति होता है, ठीक है। तो देखिए यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह दोनों अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण सोडियम और क्लोरीन तेज गति से अभिक्रिया करते हैं, अलग हो जाएंगे, NaCl बना लेंगे और H2O जल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान पूर्वक समझेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाने का सामान्य विधि हो गया। अगला टॉपिक हमने लिखा है क्या, भारत में 95% NaCl, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, भारत में 95% NaCl यानी साधारण नमक समुद्री जल एवं चट्टानों से, किसको से, समुद्री जल एवं चट्टानों से वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब अशुद्धि को उड़ा करके प्राप्त किया जाता है। ध्यान पूर्वक समझेंगे, भारत में समुद्री जल से एवं चट्टान से मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड का प्राप्ति होता है। तो याद रहे भारत में सोडियम क्लोराइड का प्रमुख स्रोत क्या है, तो समुद्री जल एवं चट्टानों के वाष्पीकरण क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब इस NaCl जो NaCl प्राप्त होता है उसमें अशुद्धि के रूप में, मतलब उसमें मिलावटी के रूप में सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एवं कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर के लवण जो है अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। तो इस बात का आप पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए हमने क्या कहा, तो भारत में जो समुद्री नमक, भारत में जो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है उसका 95% है से समुद्री जल चट्टान से वाष्पीकरण क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, और इस नमक में जो साधारण नमक प्राप्त होता है उसको में अशुद्धि के रूप में क्या क्या रहता है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नाम एक बार सुन ले, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एवं कैल्शियम कार्बोनेट लवण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के संगमरमर भी कहा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि साधारण नमक जो है भारत में मुख्य रूप से समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, वो भी कुल उत्पादन का 95% हिस्सा और वाष्पीकरण क्रिया से प्राप्त होता है, इसमें अशुद्धि के रूप में सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट लवण पाए जाते है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, सेटर आपसे पूछ सकता है कि भारत में समुद्री जल का प्रमुख स्रोत क्या है, तो समुद्री जल है, ठीक है, किस क्रिया से, वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा, वाष्पीकरण मतलब उसको में क्या होता है, भाप के द्वारा ऊपर उड़ा करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और भारत में जो समुद्री लवण से, समुद्री जल से जो साधारण नमक प्राप्त होता है उसमें क्या क्या अशुद्धि रहता है, तो सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 किस रूप में पाया जाता है, लवण के रूप में पाए जाते हैं। तो ये बात का भी ध्यान बहुत बहुत रखना होगा। अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेंधा नमक या काला नमक किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सेंधा या काला नमक जिसे हम लोग अक्सर काला नमक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो काला नमक या सेंधा नमक क्या है, इसको पर एक थोड़ी बात कर लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में रॉक साल्ट के नाम से जाना जाता है। सुनिएगा, यह जो काला नमक है यह खदानों से प्राप्त होता है, कहां से, खदान से, जमीन के अंदर से, जैसे कोयला की निकासी होता है उस तरह से जमीन से खोद करके निकाला जाता है सेंधा नमक अथवा काला नमक। तो याद रहे काला नमक कहां से प्राप्त होता है, खदानों से, ये नहीं है कि भी समुद्र से प्राप्त होता है, ठीक है। इस नमक में प्राप्त होता है जिसमें, मतलब रॉक साल्ट में, लाल चिकनी मिट्टी अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। ध्यान पूर्वक समझेंगे, कौन मिट्टी चिकनी, लाल चिकनी मिट्टी अशुद्धि के रूप में होता है, अशुद्धि होता है, जिसके कारण इसका रंग भूरा होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखिए साधारण नमक है से समुद्री जल से, सेंधा या काला नमक है से खदानों से प्राप्त होता है, साधारण नमक में वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा और इसको में खदान से प्राप्त होता है, खान करके जमीन से प्राप्त किया जाता है, साधारण नमक सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट में का अशुद्धि पाया जाता है, साधारण नमक में सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का अशुद्धि पाया जाता है,
जबकि रॉक साल्ट यानी काला नमक में किसका अशुद्धि होता है, तो लाल चिकनी मिट्टी का अशुद्धि होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो रॉक साल्ट होता है उसमें लाल चिकनी मिट्टी अशुद्धि होता है, ठीक है, और इसी चिकनी मिट्टी के कारण रॉक साल्ट का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जो हम लोग घर में देखते हैं जिसको काला नमक के नाम से कहते हैं, उसी का उसमें क्या पाया जाता है, लाल चिकनी मिट्टी, वह साधारण नमक से अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग के बात आता है, क्या साधारण नमक है उसी का हम लोग सेवन खाने पीने में करते हैं, तो जी हाँ उसी को करते हैं, परंतु उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन मिलाने से क्या होता है कि वह खाने युक्त जो आयोडीन की मात्रा होता है, जिसे हम लोग के शरीर में ग्वाइटर या घेंघा रोग जिसको कहते हैं, उसको होने से रोकता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा और ध्यान सुन ले, अब हम लोग का अगला टॉपिक है आयोडीन युक्त नमक। क्या? आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज साल्ट, ठीक है। तो आयोडीन युक्त नमक क्या है, आप अक्सर सुनते होंगे आयोडीन युक्त नमक खाइए और अपना सेहत बनाइए। तो आयोडीन युक्त साल्ट के लिए पहले ध्यान सुनिएगा, वास्तव में आयोडीन युक्त नमक क्यों होता है, क्यों जरूरत पड़ता है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में आयोडीन की कमी होता है, किसमें कमी होता है, आयोडीन, मुख्य रूप से सब्जियों में आयोडीन की मात्रा बहुत कम रहता है। उस आयोडीन के कमी के कारण हम लोग के शरीर में घेंघा, ग्वाइटर या गलगंड, तीनों एक ही रोग हैं, ग्वाइटर या घेंघा रोग होता है, जैसे गला फूल जाता है और आवाज भदापन हो जाता है, उस रोग से बचने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होता है। तो आयोडीन कैसे हम लोग भोजन करते हैं, आयोडीन के रूप में ग्रहण करते हैं आयोडीन, तो उस पर आज बात करेंगे, तो ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं, सुनिएगा, साधारण नमक में, किसमें, साधारण नमक NaCl में, किसको में, सोडियम क्लोराइड में, साधारण नमक में थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडेट Ca(O3), ध्यान दीजिएगा, साधारण नमक में थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडेट Ca(O3) या पोटेशियम आयोडाइड Ca मिलाकर, चाहे तो पोटेशियम आयोडेट मिला देगा Ca(O3) या पोटेशियम आयोडेट Ca मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। कैसा नमक बनाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है, जिससे घेंघा या ग्वाइटर रोग से मनुष्यों की रक्षा होता है। तो आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कैसे जाने कि आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है, तो जो साधारण नमक प्राप्त होता है उसको मैं थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडेट Ca(O3) या पोटेशियम आयोडीन Ca मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है, जिससे मनुष्यों में ग्वाइटर या घेंघा रोग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं कि सर्वप्रथम हमने देखा कि साधारण नमक कैसे प्राप्त होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से साधारण नमक प्राप्त होता है। भारत में 95% साधारण नमक समुद्री जल चट्टान से वाष्पीकरण क्रिया द्वारा आता है, जिसमें अशुद्धि के रूप में, मतलब साधारण नमक में क्या अशुद्धि रहता है, सोडियम सल्फेट, मैग्नेशियम क्लोराइड, मैग्नेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि। सेंधा नमक, अगला टॉपिक हमने देखा कि सेंधा नमक अथवा काला नमक कैसे प्राप्त होता है, तो काला नमक जमीन से खोद करके निकाला जाता है, इसमें अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। अगला हम लोग का टॉपिक है आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि जो साधारण नमक होता है, क्या, साधारण नमक जो समुद्री से NaCl प्राप्त होता है, उसको मैं थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडेट Ca(O3) या पोटेशियम आयोडीन Ca मिला करके इसे खाने युक्त नमक बनाया जाता है। क्या? खाने वाला नमक बनाया जाता है, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। और इस नमक से, आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होता है, जिससे घेंगा, ग्वाइटर GYTR रोग से मनुष्यों की रक्षा होता है। तो आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि नमक के विभिन्न प्रकारों को लिखे, तो आपको काला नमक के लिखना होगा और आयोडीन युक्त नमक को लिखना होगा और साधारण नमक को भी लिखना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि साधारण नमक का परीक्षण यानी गुण कैसा होता है, टेस्टिंग कैसा होता है एवं उपयोग क्या होता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको काफी फायदा मिल सके। अब हम लोग देखिए साधारण नमक का गुण पर आ चुके हैं। साधारण नमक का गुण है भोजन को स्वादिष्ट एवं आयोडीन युक्त बनाने में, ठीक है, सहायक होता है। दूसरा, अचार के परिरक्षण अथवा गलाने में उपयोगी होता है, अचार को परिरक्षण अथवा गलाने में काफी दिनों तक उपयोगी बना करके रखता है। तीसरा, साबुन बनाने में सहायक होता है, कौन, साधारण नमक NaCl।
अब हम लोग देखेंगे साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्या है। ठीक है, तो उपयोग है पहला क्लोरीन गैस क्लोराइड बनाने में, क्लोरीन गैस इसके मदद से बनाया जाता है, आगे पढ़िएगा। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए NaOH एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाने में। ठीक है, तीसरा है पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाने में, और चौथा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के निर्माण में। ये सब जो है प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जो इनका उपयोग है या कहाँ बनाया जाता है या क्रियाएं प्रयोगशाला में की जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप लाइक करना एवं शेयर करना ना भूलें, और ताकि मैं आपके लिए नित्य दिन हर दिन रेगुलर बेस पर वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप एक से एक सवाल पूछता हूँ, जिसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कमेंट बॉक्स सदा आपके लिए खाली रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा सवाल है, आयोडीन युक्त नमक बनाने में NaCl में मिलाया जाता है। ठीक है, चॉइस ए में है हमारा KCl, चॉइस बी में है हमारा KiO3, चॉइस सी में है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, चॉइस डी में है BOC दोनों। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें।